नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संबोधन से आखिरकार पार्टी की सारी टेंशन दूर हो गई है। पहले असहज महसूस कर रहे कांग्रेस के नेता अब प्रणब के संबोधन के सहारे बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने प्रणब मुखर्जी के भाषण की प्रशंसा की है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में गुरुवार को कांग्रेस की विचारधारा को आगे रखने के लिए पूर्व राष्ट्रपति की सराहना की। उन्होंने ट्वीट किया कि खुश हूं कि मिस्टर प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस को बताया कि कांग्रेस की विचारधारा में सही क्या है। यह उनके कहने का अपना तरीका था कि आरएसएस की विचारधारा में गलत क्या है। दरअसल मुखर्जी द्वारा आरएसएस के नियोते को स्वीकार करने के बाद कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। चिदंबरम ने पूर्व राष्ट्रपति से अनुरोध किया था कि वह आरएसएस को बताएं कि उनकी विचारधारा में गलत क्या है। गुरुवार को नागपुर में संघ के कार्यक्रम में बोलते हुए मुखर्जी ने कहा कि हम हमारी बहुलता को स्वीकार और सम्मान करते हैं। धर्म और मतभेद से भारत को परिभाषित करने का हर प्रयास देश को कमजोर बनाएगा। असहिष्णुता भारतीय पहचान को कमजोर बनाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पहचान और भारतीय राष्ट्रवाद सार्वभौमिकता और सह अस्तित्व से पैदा हुआ है। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। इस खबर में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।